हेलो गाइस, आज मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और लगा कि इससे मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आएंगे। तो ऐसा ही हुआ, मैंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और सामने बुक भी थी, तो मैं कॉफ़ी पीते पीते बुक भी पढ़ना शुरू कर दिया। और तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे रीड एंड ड्रिंक पे वॉल पेंटिंग करनी चाहिए। तो मैंने फटाफट से ड्राइंग तैयार कर ली थी और इसे मैं पेंट करूँगी एक्रेलिक कलर के साथ। मैंने एक एक करके ड्राइंग शुरू कर दी है। मैंने 3 बुक्स बनाए हो और साथ में कॉफ़ी मग और नीचे टैगलाइन रखी हो रीड एंड ड्रिंक करके। ये मेरी यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसे पेंटिंग करूँगी ब्लैक एक्रेलिक कलर के साथ। देखिए अभी मैंने, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और आपका एक लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ दिल खुल के आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंटिंग के साथ पेंट करना शुरू कर दिया है। मैं वन बाय वन बुक करके सारे बुक्स पेंट कर दूँ। पेंटिंग करते करते ना जाने कहाँ से स्प्लिट हो गया है, मेरा कलर नीचे आ गया है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे वाइट एक्रेलिक पेंटिंग के साथ अच्छे से कर दूँगी। इसी के साथ मैंने 3 बुक्स को पेंट कर दिया है। उसके बाद बारी आती है कॉफ़ी मग की। इसी तरह मैं कॉफ़ी मग को भी ब्लैक एक्रेलिक से पेंट कर दूंगी, इस डिज़ाइन को पूरा कर लूंगी। इसके साथ काफ़ी हद तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। जो भी नीचे कलर स्प्लिट हो गया था उसे भी मैंने कवर कर लिया है वाइट एक्रेलिक पेंट के साथ। इसके साथ मेरे 3 बुक्स और कॉफ़ी मग भी तैयार हो गया है। इसके बाद मैं जो टैगलाइन है रीड एंड ड्रिंक वो मैं पेंट करूँगी। इसी के साथ मेरी पेंटिंग पूरी हो गई है और देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसे आ रहा है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बुक्स भी है, कॉफ़ी भी है और टैगलाइन भी है रीड एंड ड्रिंक। वाह, इट्स अमेजिंग। तो गाइस, आपको ये मेरी पेंटिंग कैसी लगी? अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा और ड्रिंक करते करते बुक पढ़िएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।